हर हर महादेव आप देखुं स्वतंत्र कार्यक्रम उपस्थापना आम लगातार भाव में प्रत्येक शिवालय आपको चित्र देखाऊ आज शैवपीठ गुड़िक केमी चलचंचल हो उठी कारण प्रतिवर्ष समस्ते अपेक्षा करते जागर जात्रा को जागर राति में समस्ते उजागर रही दीप जाड़े और प्रभु शिव तांकर मनस्कामना पूर्ण करेंगे। तेरे बर्तमान आम सीधा सड़क जा लक्षेश्वर को लक्षेश्वर पूरा चित्र देखा आज लक्षेश्वर पीठ चलचंचल हो पड़ी से जागर जात्रा अनुष्ठित हो भक्त समागम धीरे धीरे बढ़िवे आरंभ है कारण समय जिते गढ़ी चली भक्त आगमन बढ़ुच्ची पूरा चित्र आप देखुं लक्षेश्वर चित्र लक्षेश्वर मंदिर चित्र ये हूँ फुलखरा स्थित लक्षेश्वर मंदिर और जोठार कि आज जागर जात्रा अनुष्ठित हो दीर्घ दुई वर्ष परे आज भक्त माने प्रभु शिव को आज जागर जात्रा रे तांकु उपासना करिबा पई बा तांकु आराध्य पई समस्ते पहुंचुचंती से शिवालय गुड़ी करे कारण पूर्वरु दुई वर्ष हेबो कोरोना कटकणा लागि रहितिला एवं सबु किछि बंद रहितिला भक्त माने शिवालय को जाउ नथिले प्रभुंकर दर्शन मिलु नथिला एवं घरे रही समस्ते जागर पाळुथिले बा जागर जाळुथिले किंतु आज सेथिरे कोठिना कोठी टिके कोहल नियम जो चित्र आसी पहुँचुची अनेक स्थान रे वर्तमान अनुमति मिली समस्ते शिवालय को जाउछंती प्रभु को दर्शन करुछंती आसी तो दीप जाळुछंती किंतु अनेक केतेक स्थान रे 144 धारा मध्य जारी करा जायछि किछि सेवकों बा जो माने पूजात रहिछंती से मानक भितर आज जागर अनुष्ठित होउछि आउ किछि स्थान रे सेही स्थानीय अंचल रे लोकों को मध्य जिला प्रशासन अनुमति देठी से माने आज जागर जाळुछंती वर्तमान कविता आम सहित जोड़ी होती लक्षेश्वर मंदिर परिसर रु कविता चित्र केमती देखुं भक्तों गहली केते चिन्मयी जेहेतु आज पवित्र महाशिवरात्रि एवं यदि कह चलचंचल हो उठी दिल्ली ठू पल्ली पर्यंत सबु शैवपीठ सबुठी भक्तंकर भिड़ कहीं दुई वर्ष धरी जो भली भाव में कोविड कटकणा भितर लोक मैंने पूजा अर्चना करुले कहार नियम भितर किसी कोहल होसर देखा चाहिए लक्षेश्वर मंदिर में बर्तमान अच्छे सेठकर क्यों भाई रही भक्तंर समागम क्यों भाई रही परेश तार संपूर्ण चित्र देखाइबी और कैमेरा पर्सन जितेन्द्र मल्लिक को कहकु चाहिए कि क्यों भली रही चित्र ता देखापी कहीं जो भली भाव आम प्रति दुई वर्ष धरी जो भली भाव स्थित रही समस्ते घरे रही पूजा अर्चना करुले किंतु यही वर्ष कटकणा को कोहल हो समस्ते मंदिर आसुचार भगवान भक्त भितर से पाचेरी ना भक्त टीए भगवान पाख जापार जो पाई ओसा रखी उपवास करगवान पाखे जनईपार मनस्कामना जहाँ रखी भगवान पाखे जनईपार जी कह लक्षेश्वर मंदिर में बेस समागम अच्छी भक्तंर एस जी कह जहाँ कोविड नियम अनुसार जहाँ गाइडलाइन कह भली बाहर दीप लग जा बाहर भोग कर भक्त मानक किसी जन को दस दस जन कर भितर को प्रवेश करा जदि कह कि भक्तंर प्रतिक्रिया ना एवं जदि कह कि जागर राति को समस्ते अपेक्षा करते सबू भक्त मन में उत्साह भरी रही था समस्ते चाहती केबे जागर आसब समस्ते उपवास करेंगे भगवान पाखे पूजा करेंगे एवं जहाँ मनस्कामना रही थी से बाबा पाखे जनइबे से भाई भाव में किसी भक्तों प्रतिक्रिया ना आज्ञा दुई वर्ष धरी कोविड घरे पूजा अर्चना करुले आज मंदिर आसी भक्त जो भगवान दर्शन पाते दुई वर्ष है मंदिर बंद था कोविड एबे खोला रही बहुत खुशी लगुच मंदिर को आसी बहुत खुशी लगुच बस दीप जाड़े ना ना आज्ञा निश्चय उपवास करेतु दीप तो निश्चय जाड़ू ना देख भगवान पाखे कौन मागे कोविड संपूर्ण भाव में विश्व मागु कोविड संपूर्ण भाव में विश्व पलि जाऊ जमी भक्त मैंने आसते मंदिर को सेमती आसतु ठाकुर प्रार्थना करती भाव में जी कह समस्त गोटे कथा कि कोविड क्यों भाव में सारा विश्व जाऊ एवं समस्ते राति दीप जाड़ती भगवान पाखे उजागर रही दीप जाड़ती निजर मनोकामना भगवान पाखे जनई था लक्षेश्वर मंदिर वर्तमान जहाँ जो परिसर जहाँ दृश्य रही आप देखुं आमर जहाँ अर्गस जहाँ मोटर
रही कि प्रति कोण अनुकोण से शैवपीठ से आम पहुँची से दृश्य देखा से क्यों भाई भक्त रही क्यों भाई श्रद्धा रही क्यों भाई चलचंचल रही सेठिकार परिवेश से संपर्क देखा तो से विभिन्न मंदिर परिसर पीठ परिसर आम देखा चित्र आ देखि पारे ये जो मैंने भक्त मैंने आसुंच जो मैंने पूजा पाई प्रसाद धरिकी आसुचंती सेगुडा को मध्य बारण रही बाहर रखा एवं भीतर को भक्त मान को दस दस जन कर प्रवेश करा एवं सामाजिक दूरता रखापी ये किसी सदस्य रही कमिटी सदस्य रही जहाँ कोविड कटकणा रही जनईकी भितर को छाड़ चेक करके क्यों मैंने प्रसाद नहीं जाऊँच क्यों मैंने ना सबकि तदारख करके भितर को छाड़ यह रही संपूर्ण दृश्य आप देखुं लक्षेश्वर मंदिर एस ये तो थी परिसर दृश्य भितर को भगवान जो गर्भद्वार रही से प्रवेश करवा क्यों भाई से पूजार्चना चली क्यों भाई भक्त मैंने दर्शन करुं से संपर्क में अधिक सूचना देवी ता सहित जदि कह दुईट बारिकेड हो बैरिकेड मध्य देखा चाहिए दुईट बैरिकेड रही गोटे पटे प्रवेश करेंगे भक्त मैंने आरपटे क्यों भाई जो कोविड स्थिति गहली नहेबाई नजर रखी दुईट बैरिकेड कर गोटे पटे भक्त मैंने प्रवेश करपटे भक्त मैंने बाहर गहली जमी न हम सब कमिटी मेम्बर कमिटी सदस्य मैंने रही से संपर्क जनावे कहीं जी कह कि जो भाई भाव में समस्ते चाह बसता दिन को समस्त भिड़े हुए कहीं दिन आसे समस्त उत्साह चाह बसता समस्त मंदिर जी समस्ते पूजा करेंगे किंतु कमिटी सदस्य मानक बेस माने काम बढ़ी जाए से माने अधिक उत्साहित था क्यों भाई भक्त मैंने आसे तदारख करके भितर को छाड़े क्यों भाई व्यवस्था करें गोटे बेस रही थाए तो सहित आलोचना करवा जोबले पूजा आसे से कमिटी मेम्बर मानक विशेष काम बढ़ी जाए भक्त मैंने आसिले से कमी भितर को छाड़े कौन तदारख हम से विषय आप आमर गोटे ट्रस्टी बोर्ड उथ गोटे उपदेष्टा मंडल उपदेष्टा मंडल आम चतुर्पाश्व गाँ पंद्रह गाँव को लेकिन करूँ बर्तमान अठाईस जन अच्छा उपदेष्टा मंडल आम ट्रस्टी अच्छा दस जन आई आई सी अच्छा तहसिलदार अच्छा आम पाल थाना आई आई सी तहसिलदार आर आई कितु आर आई तहसिलदार आसुना आम कमिशन दृष्टिगोषण कलु जो सी दुईज एग्नेशन आमको आउ दु जन दिम लोकाल लोक है तेणु आमर एवं छब्स तारीख प्रस्तुति बैठक होता लास्ट फाइनाल प्रस्तुति बैठक से आम नेलु प्रत्येक आम कटोल मीना बाजार ये है बड़ा जाकजमकर है कि कोविड कटकणा जो कले मान बाध्य सरकार के निम को तेणु आम मानलु आम खुशी रे आम भजन समारोह एंटरटेनमेंट पे सेटा करा आमर महादीप उठब घंट आसपर आम गोटे धर्म प्रचार सभा है बड़ सिंगार कमिटी बड़ सिंगार बेस कमिटी तर गोटे कमिटी कर भल माने भल भल वक्ता दिखती आध्यात्मिक आलोचना है से आमको कि कमिटी वाला आम डाक आम समस्त बसु आलोचना कराए एवं प्रसाद सेवन है लोकंर खुशी कि ये अंचलवासी एवं प्रभुंर आशीर्वाद रु ये सब संस्था चल भक्त को नजर को रखी भक्त मान भिड़ देखी कमिटी मेम्बर माने काम बढ़ी जाइए कह भक्त मान जो बैरिकेड हो भक्त मैंने जो भाई भाव में जब से प्रतिक्रिया ना कहीं देखु थे क्यों भाव में मानते समस्ते मास्क परिधान कर गोटे पर गोटे लोक को छड़ा जा जेहेतु पूजा पाई दिन समय जिते गढ़ुची से लोकों भिड़ मंदिर परिसर भितर होदि कह लोकंर भिड़ को देखी कटका मंदिर जो कमिटी सदस्य अच्छा से कटक बढ़ाऊँ क्यों भाई सुरखुरी पूजार्चना करेंगे भक्त मैंने गहली न हम मंदिर गहली न हम ताक नजर रखि सब प्रकार व्यवस्था कर सब प्रकार व्यवस्था भितर पूजार्चना करी कह कि भक्त भक्त दर्शन पर स्वतंत्र व्यवस्था कर
बेश धूमधाम रे पालन होउछि महाशिवरात्रि लक्षेश्वर मंदिर। बिल्कुल कविता, आम जहाँ चित्र देखुले आज लक्षेश्वर पीठ चलचंचल हो उठी और जो मैंने ट्रस्टी बोर्डर सदस्य अच्छा समस्त मनरे उत्कंठा उत्साह जेहेतु दुई वर्ष है जागर यात्रा बंद थी पुणी थे आज से स्थिति पुणी थे फेरी समस्त मनरे उत्साह उद्दीपना समस्ते भक्त वर्तमान मंदिर परिसर में जागर यात्रा देखुं जागर जालुथिबार चित्र सामना को आसुची। कविता परवर्ती समय आपण पाखक फेरबी किंतु आम लगातार भाव में जमी देखुचे विभिन्न मंदिर परिसर दृश्य यह सहित आम पाखे आज अतिथि अच्छा पंडित ज्योतिप्रकाश मिश्र अच्छा सहित अच्छा अध्यापिका रोजेलीन जेना अच्छा तेज उभय को मुझे अर्गस न्यूज को आम स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत जनाऊँ। सर कथा हो आमे जागर जो आज समस्ते उजागर ही जागर यात्रा पालन करती जागर समस्ते महाशिवरात्रि गोटे वर्ष को अपेक्षा करते के महाशिवरात्रि आसब आम जागर पालबू खास कर तार महात्म्य टे जानापी चाहबू प्रकृत महात्म्य कौन गोटे सुंदर भाव ध्यान रु आरंभ करवा प्रभुंकर कथा आज हे जागर राति हरिओ रत्ने कल्पी तमासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबर नाना रत्न विभूषित मृगमद मोदांकित चंदन जाति चंपक बिल्वपत्र रचित धूपंच पुष्पंस्तथा दीपंग देवदया निधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यतां हृत्कल्पितं गृह्यतां हर हर महादेव शंभो। जागर राति उजागर राति एमिति एक राति अमावास्यारे भी चंद्र दर्शन राति ये सब को मिसेला बेले जो सनातन धर्म रो अवलंबन आम माने करूचे बा जो सनातन धर्मावलंबी बोलिक आम मानकर परिचय अच्छी ये सनातन धर्मावलंबी मानकर हुए तो बार मस तेरह पर्व आम पालन करूँ बोलिक गोटे कथा अच्छी आम उत्कलीय परंपरा हिसाब से आई उत्कलीय परंपरें गला बेले आम गोटे साधारणत तो श्लोक उदाहरण रहूँ जे केमिति प्रभु दर्शन मिले बोली से जो प्रभु दर्शन जो भव्य दिव्य बार्ता से बार्ता को देखा को गला बेले आम हे तो कही था मासोपवासी पतिव्रतांच वेदांतक चंद्र सहस्रदर्शी मिष्टान्नदाता अग्निहोत्रिश्च सजीव लोके मम वंदनीय। गोटे लोक जदि मासे उपवास करे तबे प्रभु को दर्शन पाए आपण पुणी पचारे कह मसे जदि उपवास कर मनीष बंच ये तो असंभव कथा तेणु से जो मासक केमिति उपवास करेंगे आपण ना चबीश एकादशी गोटे वर्ष चबीशटी एकादशी आसती छटी जयंती आसती राम कृष्ण बामन नृसिंह दुर्गा एवं शिव चतुर्दशी ये हूँ सब प्रभुंकर जन्मदिन ये जन्मदिन गुड़िक हूँ छटी जन्मतिथि तेणु या को लेकर आम जब उपवास रखू प्रभुंकर व्रत आराधना करूँ तेबे हुए तो जन को प्रभु दर्शन मिले बोलिकी ये सनातन धर्मर शास्त्रीय मत कहे जो जागर कथा कहते जागर शब्द को जदि आप अन्वय करती गोटे दिन व गोटे राति आम सब बड़े रात्रि हूँ आम शयनर समय यो शयनर समय टी निद्रित न रही बिना निद्रे प्रभुंकर उद्देश्य आम मन मानसिकता भितर अंतरात्मा भितर प्रभु दर्शन करार दिन हूँ ये पवित्र जागर तेणु से ये शिवंकर जो चतुर्दशी तिथि की आम नहींचु ये चतुर्दशी तिथि हूँ उजागर तिथि आउ ये जो शैव उपासना ये जो शिव ये वेदोक्त भाव ये शिव हूँ आम आत्मार देवता तेणु आत्मा को जागृतिकरण करने आत्मा भितर अंधकार को विलोक अंधकार को विलेपन करदेपी लिभे देवाई ये रात्रि परिकल्पना कर सनातन धर्म हिंदू धर्म ये हूँ मूल तत्व तापरे आपणकर कौन कहार अच्छी कही पारंत जो महात्म्य रही शिव महात्म्य
खासकर ये जागर यात्रा को समस्ते अपेक्षा करती। आज दिन में समस्त ये धारणा थाए जे जागर दिन जदि उजागर रही आप दीप जालुंट जहाँ मनस्कामना करती पूरण हुए बोली दीप एमती एक जिनस जो दीपाई हुए तो आम कहू दीपंग ज्योति परंग ब्रह्मा दीपंग ज्योति जनार्दन दीपम ज्योति हरेत पाप पूजा दीप नमो स्तुते बा केतक जगह संध्या दीप नमो स्तुते ये हूँ दीप। दीप कौन करे ना गोटे कालीमा को बा अंधकार को दूरीभूत करने गोटे स्तिमित शिखा अग्निर शिखा जो शिखा गोटे विराट अंधकार को दूरीभूत करे तेणु जीवन रास्ताटा जे सब बेले आलोकित एक भाविबा भूल। शिव होचंति परमात्मांकर स्वरूप तेणु परमात्मांकर स्वरूप ये परमात्मांकर वाक्य होउचि एया रे कलिहत मानव जीवन होउचि अंधकारमय तेणु से अंधकारमय जीवन को आलोकर प्रदीप रे प्रज्वलित करिवार जो भव्य दिव्य धारा से भव्य दिव्य धारा होउचि ए जागर राति गोटिए दीप जमिति किछि क्षणर प्रज्वलन शिखा बदल रे विराट अंधकार को दूरीभूत कर दे पारे सही भली भाव रे परमात्मा बा शिवंकर बा शैव उपासना तो जीवन रो जागर यात्रा रे जागर जालिबार कथा ये नुहे तो जीवन रो अंधकार को दूरीभूत करी तो कालीमा को दूरीभूत करी तते एक सुंदर आलोकर पथरे परिवर्तित करिबा बा परिचालित करिबार ये दिव्य चिंतन होची दीप। बिल्कुल तबे श्रीमती जेना आपण पाखु आसीबे खासकर शिवरात्रि रे समस्तंकर ये मन बा समस्तंक मनरे धारणा थाए जे महादीप न उठिबा पर्यंत जो माने संपूर्ण उजागर रुहंती उपवास रखंती महादीप को टिके समस्ते प्राधान्य दियंती महादीप न उठिबा पर्यंत केही किछि खाद्य ग्रहण करंती नाही किबा से महादीपर महत्व कोन। धन्यवाद। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रथमे सही शिवशंकर एवं भवानी को मु वंदना करी आपणक प्रश्नर उत्तर देबाकु जाउछि। देखंतु ए महाशिवरात्रि जहार नाम महा लगी महादीप लगुची जहाँकि फाल्गुन मास चतुर्दशी कृष्णपक्ष चतुर्दशी तिथि ही पड़ी थाए जहाँ शिवंकर अति प्रिय जो दीप आम उजागर आम आत्मा को उजाग्रत करिथाय सोई पड़ी थीबा आम मनुष्य चेतना को से जाग्रत करिथाय एवं समस्तंक भितरे एक दिव्य भावना गुंजरित करि देथाय सेई दीपम ज्योति परम ब्रह्म दीपम ज्योति जनार्दन दीप हरो तुमि पापम संध्या दीपं नमस्तुते सेई दीप घन घोर कालीमा को से जतबडे विदुरित करिथाय सेई समय सब अछि जहाकि चतुर्थ चारिटा प्रहर रे भगवान शिवंकर आराधना करा जाय थाय जेमिति भावरे प्रथम पहररे तंकु दुग्धरे अभिषेक करा जाय थाय एवं तहा तंकर सर्वस्वरूप द्वितीय प्रहररे तंकु दधिरे अभिषेक करा जाय थाय तहा तंकर ईशान स्वरूप एवं तृतीय पहररे तंकु घृतरे अभिषेक करा जाय थाय एवं चतुर्थ पहररे तंकु अभिषेक करा जाय मधुरे जहा तंकर सद्यजात स्वरूप तंकर एही चारोटि स्वरूप को जेतेबेले अभिषिक्त करा जाय सेतेबेले समस्त भक्त वृंद एक लयरे एक प्राणरे तांकर आत्मा को सेई दीप सह संयुक्त करिथांती। हे प्रभु मो हृदयर समस्त अंधकार को आपण दूरभित करंतु एवं मते आलोकर मार्ग रे गति करबाकु दियंतु। तमो समा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतम गमय असदम असद्गमय मो ए स्वभाव संसाररु असत पथरे गति करुची मु तमसा व अंधकार रे मु भाव दुर्भव वृष्टि होई जाउची मु बाटबणा होई जाउची प्रभु आपण ही एकमात्र सहाय जे मते एई भव संसार रु मते उद्धार करी मते नै पारिबे आपणंकर आलोकित मार्ग रे देखुछंती आपण माने किभळी भाव रे प्रभुंकर सही श्रीमंदिर अपूर्व दिव्य आलोकमाळरे उज्जसित उच्छसित हो उठिछि। आजिर पर्व ही ताही कामना रखे जे समस्तक भितरे से आलोकर से ज्ञानर दीप को जाग्रत करिबा जेते बेले आमे समस्ते गोटिए गोटिए प्रहर उजागर रही
प्रभुंक पाखरे मानसिक करे संकल्प करे दीप जाळी थाउ आमर उद्देश्य थाए प्रभु आम भितरर थिबा समस्त कामना वासना दुष्ट शक्ति अहंकार को आपण दमन करंतु एवं आपण ज्योति स्वरूप रे आम हृदय रे विराजमान करंतु एवं सेही ज्योति स्वरूप रे विराजमान करिबा जोगु प्रभु को आमे आराधना करि थाउ अपेक्षा करि थाउ आपण जो कहिले तंकु आमे अपेक्षा करि थाउ काहे कि शेष प्रहर पर्यंत कारण थरे थरे भगवान को शिव को माँ पार्वती प्रश्न करिछंती प्रभु हे श्रेष्ठ आपणकर समस्त उपासना भेतरे क्यों दिवसटी आपणकर अति श्रेष्ठ प्रभु कहिछंती सबु चतुर्दशी सबु कृष्णपक्ष चतुर्दशी त शिवरात्रि किंतु फाल्गुन मास कृष्णपक्ष चतुर्दशी हेउछि महाशिवरात्रि कारण यही दिन प्रभु ज्योतिर्लिंग भाव अवतीर्ण होते से कथा तो आम पचर आलोचना को जी कि प्रभुंर से श्रेष्ठ रात्रि जहाँ उजागर रात्रि जहाँ प्रभुंर प्रिय रात्रि से ही रात्रि जी सामग्रिक भाव उजाग्रत रही निजकु समर्पित करिथाय प्रभुंक पाखरे दीपदान करिथाय प्रभुंक पाखरे बेलपत्र अर्पण करिथाय पुष्प अर्पण करिथाय पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्ता प्रजच्छति अहं भक्त परुतमस्नामि प्रतात्मनः जेमिति सेमिति भावरे प्रभुंक पाखरे एकनिष्ठ भावरे समस्त रात्रिर प्रहर प्रहर उजागर रही जदि आमे एकनिष्ठ भावरे निजकु समर्पित करितिबा ताहेले जाई प्रभु आम उपरे कृपा लाभ करिवे बोली आमको कहिछंती तार मध्य उदाहरण देछंती से पार्वती को बुझेला बेले माँ पार्वती को बुझेला बेले से गोटे उदाहरण देछंती जहाँ राजा चित्रभानु कथा राजा चित्रभानु थरे एकादशी व्रत ए चतुर्दशी व्रत शिवरात्रि व्रत पालन करथांती स्त्री सुशीला देवी सहित यही समय जाई ऋषि अष्टवक्र पाखे पहुँची पचारुंट राजन कौन ए व्रतर महात्मा कौन कहीं आपण ये व्रत को पालन करते राजा जेहेतु थिले जातिस्मर तक पूर्वजन्मर कथा मन पक पूर्वजन्मे मो थी गोटे साधारण व्याध मो ना थिला सुस्वर जेतेबेले मोर कर्म हेउची शिकार करिबा मो दिने घरु बाहरी जाइची शिकार करिबा पाई दिन सारा भोक उपास रे मु शिकार खोजिची अनेक खोजिची किंतु मु शिकार कोठी पाई नहीं एमती खोजी खोजी संध्या होई जाइची हठात कळहंड्या मेघ घुटी आसीची एवं मु बाटबण हेई जाइची तापरे मु निरुपाय हेई भोक बेटरे भोक मनरे डर मु चढ़ी जाइची गोटे गच्छ उपरकु जेतेबेले मु से गच्छ उपरकु चढ़ी जाइची सेतेबेले हठात वर्षा हेबा आरंभ हेई जाइची जेतेबेले कळहंड्या मेघ घोटी आसीची बिजुड़ी चमकी उठी वर्षा होइची एवं सेही समय रे मते एक व्याघ्रर गर्जन शुणाक मिली व्याघ्रर गर्जन शुणी मो आहुरी आथुर आहुरी व्याकुलत हो जाइची समय रे मो भयातुर अवस्था रे मु से गछरु गोटे गोटे पत्र छिंडे तळकु पकई चली जानते ऋषिवर से गछटी की गछ थिला ना से गछटी थिला बिल्लो गछ एवं से गछ गछ तळे